हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्या मानव जीवन को 500 साल तक बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। शोधकर्ताओं ने सेलगंज के जीवन काल को 500% तक बढ़ाने के लिए सेलुलर मार्गों की पहचान की। श्री अलीगंज जीवन काल का अविश्वसनीय लाभ लगभग 500 वर्ष तक जीवित रहने वाले मानव के बराबर होगा। अत्यधिक संरक्षित इंसुलिन जैसी सिग्नलिंग IIS और रिपामाइसिन TOR का लक्ष्य प्रजातियों में उम्र बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। उम्र बढ़ने को नियंत्रित करने के लिए वैज्ञानिक वर्षों ने इन मार्गों के बीच बातचीत की जांच कर रहे हैं। अब MBI बायोलॉजिकल लेबोरेटरी नानजिंग यूनिवर्सिटी और बक इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन एजिंग की एक रिसर्च टीम ने सेलुलर रास्तों की सफलतापूर्वक पहचान की है। सी एलिगेंस एक पारदर्शी मुक्त जीवित नेमाटोड कृमि है जिसकी लंबाई लगभग 1 मिलीमीटर है। ये एक गैर संक्रामक और गैर खतरनाक और गैर परजीवी है जो शीतोष्ण मिट्टी के वातावरण में रहता है। सूखी सी एलिगेंस में न्यूरॉन, आंत, मांसपेशी, त्वचा और अन्य ऊतक होते हैं जो कि मनुष्य के अनुवंशिक और कार्य में बहुत समान होते हैं, इसलिए उन्हें विभिन्न शोध उद्देश्यों के लिए व्यापक रूप से अध्ययन किया जाता है। स्वस्थ जीवन काल को बढ़ाने के लिए पत्तों को संशोधित करना। इस अध्ययन में सेलगंज के लघु जीवन काल केवल 3-4 सप्ताह का नए शोधकर्ताओं को मानव जीवन को बढ़ाने के लिए अनुवंशिकी और पर्यावरणीय हस्तक्षेपों के प्रभावों का विश्लेषण करने की अनुमति दी। कुछ मार्ग जो इन मार्गों को संशोधित करते हैं अब विकसित किए जा रहे हैं। साइंस में निष्कर्ष और भी उन्नत विरोधी बुढ़ापे उपचार के लिए नए रास्ते खोलते हैं। दोनों मार्गों IIS और TOR को एक डबल उत्परिवर्ती का उपयोग करके अनुवांशिक रूप से संशोधित किया गया है। ISS रास्ते के संशोधन में जीवन काल में 100% की वृद्धि होती है और TOR मार्गों के संशोधन में 30% की वृद्धि होती है। इसका मतलब कि डबल न्यूटन को 31% लंबे समय तक रहना चाहिए, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इसका जीवन काल 500% तक बढ़ाया गया है। सी एलिगेंस जीवन काल की 500% वृद्धि लगभग 500 वर्ष तक जीवित रहने वाले मानव के बराबर होगी। सी एलिगेंस में आयु शासी सेलुलर रास्तों की खोज के अलावा शोधकर्ता इन मार्गों के बीच बातचीत को रखते हैं। ये तेजी से बढ़ती आबादी के स्वस्थ जीवन काल को बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रभावी उपचारों का मार्ग प्रस्त करता है। व्यक्तिगत रास्तों को देखने के बजाय शोधकर्ताओं ने दीर्घकालीन नेटवर्क पर ध्यान केंद्रित किया। इस अध्ययन में खोजी गई से क्रियात्मक बातचीत स्वस्थ जीवन काल को बढ़ाने के लिए संयोजन उपचार कर सकती है, जिस तरह मौजूदा संयोजन चिकित्सा का उपयोग HIV और कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। ये सह क्रियात्मक बातचीत इन बात को भी उजागर कर सकती है कि वैज्ञानिकों ने एक भी जीन क्यों नहीं लगाया और जो कुछ लोगों को गंभीर उम्र से संबंधित विकारों से मुक्त और साधारण बुढ़ापे में रहने की अनुमति देता है। अध्ययन यह भी बताता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में दीर्घायु को कैसे नियंत्रित किया जाता है। एक जेली बाउंड ऑर्गेनेल जो सबसे यूकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है, पिछले 10 वर्षों से संचित साक्ष्यों में उम्र बढ़ने और माइटोकॉन्ड्रियल डिसग्रेगुलेशन के बीच एक प्रेरक लिंक का संकेत दिया है। भविष्य में शोधकर्ता उम्र बढ़ने में माइटोकॉन्ड्रिया की भूमिका का पता लगाएंगे। तो दोस्तों वीडियो समाप्त होता है। दोस्तों अगर हम आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।